नमस्कार, मैं नामिका बिहारी न्यूज से। आज हम आपको देश विदेश की ताजा खबरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुस्सा हो गई। गुजरात के अहमदाबाद में उनकी बातचीत गुजरे हफ्ते पत्रकारों से हुई थी, जिसमें उन दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक हो गई। इनके अलावा उनकी मुलाकात बिजनेस से जुड़ी लोगों और इनकम टैक्स अधिकारी से भी हुई है। सोशल मीडिया पर 2000 रुपए के नोट बंद करने की खबर तेजी से फैल रही है, लेकिन रिजर्व बैंक ने यह खुलासा किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये अफवाहें हैं। गृह मंत्रालय की जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और अलगाववादी संगठन बिना शर्त ही मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, PMO के अधिकारी राज्यपाल सत्यपाल मलिक की टीम ने मोदी और अमित शाह के बनाए मास्टर प्लान पर बड़ी तेजी से कार्य किया गया, और डोभाल ने तो घाटी के माहौल को सुधारने के लिए 9 दिनों तक लगातार सक्रिय योगदान दिया है। भारत वेस्ट इंडीज कड़े मुकाबले करने को तैयार है। 1970-80 में वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों को चीन म्यूजिक कहते थे और पूरा दुनिया में इसका बोलबाला था, लेकिन वक्त के साथ यह कमजोर होता गया, लेकिन फिर कोच ओटिस गिब्बन ने इसे जबरदस्त बना दिया है। अब मजबूत और स्पोर्टिंग विकेट होगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर की स्थिति की जानकारी लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम के अनुसार हर जिले और हर डिविजनल कमिश्नर के लिए वित्त विभाग को 5 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। बैक टू विलेज प्रोग्राम में 4500 ग्राम पंचायतों में हर एक के लिए राजपत्रित अधिकारी भेजा गया। इस योजना की तारीफ की जा रही है। लंदन कोर्ट भारत को 350 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश पाकिस्तान को दे सकती है। हैदराबाद के निजाम उस्मान 1948 में 70 साल पूर्व ये रुपए पाकिस्तान को लोन के रूप में दी थी। वहीं पाकिस्तान के शासक मोहम्मद अली जिन्ना गोलमटोल करने में लग गए। यह विवाद 70 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच है। CBSE ने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में 2020 में होने वाली परीक्षा में बड़ा बदलाव सामने लाया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है, वहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के होंगे, 3 अंकों के 2 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंकों के 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 6 अंकों के 3 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे, 8 अंकों के 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा का शुरुआत की मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई। 42 लाख शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण योजना की शुरुआत हुई है, जिसमें शैक्षणिक अध्ययन के साथ साथ खेल खेल में पढ़ाई, लर्निंग आउटकम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग होगी। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा भी यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार गुजरात के सरक्रिक इलाके में पाकिस्तान ने अपनी स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो की तैनाती कर दी है। यह भारत विरोधी गतिविधियों का संकेत है। पिछले शनिवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सेना और पूरा देश भारत से मुकाबला के लिए तैयार है। वहीं भारत के लिए रक्षा मंत्री ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए जवाब में कहा है कि सुधर जाओ, वरना सुधारना हमें भी आता है। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।